देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सारी ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रचार कर किया जा रहा है मेगा प्रचार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, दूध होकर जला, घी से भरा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय में आग, बीजेपी कार्यालय में कथित तौर पर आग लगाने की खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव का बीजेपी ने लगाया आरोप, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर भारी पथराव हुआ। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, 1 युवक की मौत जबकि 2 की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गेहूं की फसल काट रहे किसान, चुनाव के दौरान बारिश और तूफान के डर से फसल काट रहे हैं किसान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग हुई है, आतंकियों ने गैर कश्मीरी को गोली मार दी। बिहार के 36 साल के राजेश शाह की अस्पताल में मौत हो गई, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में पुंछ से बरामद आईईडी को नष्ट किया। यूपी के सहारनपुर में दिनदहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को किया जाम। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, गांधीनगर समेत कई जिलों में करेंगे रोड शो, साथ ही रैली कर जनता को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। अनंतनाग जिले के बिज बिहाड़ा में आतंकियों ने बिहार के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, बिहार के मजदूर का किया मर्डर, दस दिनों में हत्या की दूसरी वारदात। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की नृशंस घटना को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिज बिहाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर किसी गैर कश्मीरी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। बिहार के निवासी राजा शाह को आतंकियों ने करीब से 2 गोलियां मारी और फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान राजा शाह की मौत हो गई। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या की एक बार फिर चारों तरफ निंदा हो रही है। टीआरएफ पर हत्याकांड में शामिल होने का शक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कायरतापूर्ण हमले में निर्दोष नागरिक की मौत पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जघन्य हत्याकांड में शामिल आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही पूछ ले उनसे, उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का क्या बात कर रहे हैं वो बताएंगे, सूरत, लखनऊ, तीसरा बताएंगे रांची, उत्तर प्रदेश का। हाँ, उनको कांग्रेस की पड़ी नहीं है ना, सिर्फ सेल्फ, एक राज्यसभा सीट और बंगलो, दैट्स इट।
बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। इतनी चौकसी के बावजूद उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जाहिर है स्थानीय प्रशासन और सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको चुनावी अपडेट बताते हैं। गुजरात दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की राज्य में 3 रोड शो रहेंगे और एक रैली भी रहने वाली है। जेपी नड्डा की अगर बात करें तो वो असम में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और कोकराझार उदलगुरी में जेपी नड्डा की रैली होनी है। सीएम योगी की भी गौतम बुद्ध नगर में जनसभा होनी है। किस तरीके से हर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बागपत की अगर बात तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी वहां पर रहेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि आज का चुनावी अपडेट क्या है। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी वैभव का। और बिल्कुल अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल अमित शाह आज 3 गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह के ये 3 रोड शो हैं और इन 3 रोड शो के बीच आपको ये भी बता दें कल गांधीनगर सीट से ही अमित शाह अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं। अमित शाह तूफानी प्रचार के पूरी तरह से मूड में है और आज गांधीनगर में अमित शाह के 3 रोड शो के साथ जनसभा भी अमित शाह करने वाले हैं और जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीधा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गांधीनगर से ही हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह की रैली से पहले, अमित शाह के रोड शो से पहले अहमदाबाद में इस वक्त किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ इस रोड शो की शुरुआत अब से बस कुछ देर बाद होने वाली है। भगवा रंग में रंगा अहमदाबाद पूरा शहर। आपको बता दें गांधीनगर में अमित शाह के 3 रोड शो होने वाले हैं। अहमदाबाद में भी रोड शो है। गांधीनगर में अमित शाह आज ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं और प्रचार के बीच कल वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। सीधा तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो से पहले की तैयारी किस तरह से की गई है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए उत्साह किस तरह का है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं वैभव। देखिए अगर गुजरात हो और गृहमंत्री अमित शाह की बात हो तो अलग ही रंग वहां पर नजर आता है। गायत्री हमारी सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। गायत्री, आज गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो है, वहां पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं काफी कलरफुल तस्वीरें हैं। आपको पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। भगवान तो ये देखिए गायत्री हमारी सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं कि अलग अलग आप देख सकते हैं। रामनवमी कल गई है और वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी और हनुमान जी के वेशभूषा में वहां पर उनके स्वरूप में वहां पर लोग आए हुए हैं और ढोल नगाड़ों की जो आवाज है वो वहां पर नजर आ रही है। काफी उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है वैभव। बिल्कुल शिखा, एक एक तस्वीर ये बताती हुई कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं अमित शाह के इस रोड शो को लेकर। लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और रोड शो की शुरुआत से पहले वो रंग बिरंगी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों से सामने आ रही हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में अमित शाह के 3 रोड शो होने वाले हैं और कोशिश यही है ना सिर्फ अहमदाबाद, ना सिर्फ गांधीनगर, बल्कि आसपास की तमाम
लोकसभा सीटों को एक साथ साधने की ये कवायद जो अब से बस कुछ देर बाद अमित शाह करने वाले हैं। स्वागत में पूरा अहमदाबाद तैयार है, पूरा गांधीनगर तैयार है और कल गांधीनगर से ही अमित शाह नॉमिनेशन फाइल भी करेंगे। ये भी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, न सिर्फ रोड शो बल्कि एक जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कोशिश यही है कि गुजरात में पिछले बार की तरह यानी 2019 की तरह ही पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया जाए और यही कोशिश इन कोशिशों से के बीच ये तस्वीर उस रोड शो की जिसको अब से बस कुछ देर बाद अमित शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इस रोड शो में अमित शाह का होना ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कैसे अपने मिशन की तरफ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो देखिए खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से और आज ताबड़तोड़ प्रचार जो है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाना है, मेगा प्रचार कहें। और देखिए किस तरीके से लोग ढोल नगाड़े लेकर आए हैं, ये तख्तियां भी उनके हाथ में हैं जिसमें कमल का फूल लिखा हुआ है, मोदी सरकार लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार उसमें लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि खुश वहां पर लोग बहुत हैं और अलग अलग रंग की तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि गांधीनगर सीट पर देखिए किस तरीके से टक्कर कैसी है, ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह हैं, कांग्रेस की तरफ से सौरभ पटेल हैं जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। आप देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन उत्साह यहां पर कुछ और ही बयां कर रहा है वैभव। हाँ बिल्कुल शिखा, बहुत अहम बात, बहुत अहम तस्वीरें और सीधा तस्वीर उस वक्त हम आपको अहमदाबाद की सड़कों से दिखा रहे हैं। दिव्य और भव्य तैयारी की गई है अमित शाह के रोड शो से पहले की और अपन तैयारियों के जरिए इस वक्त अहमदाबाद का माहौल क्या है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अहमदाबाद के सियासी रण में कौन दिग्गज बाजी मारने वाला है इसको लेकर इंतजार 4 जून का जरूर करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अहमदाबाद की उस झलक को बताती हुई, उस तस्वीर को दिखाती और समझाती हुई कि अहमदाबाद में इस वक्त चुनावी माहौल और चुनावी मूड क्या है। अहमदाबाद में शिखा सब कुछ आपको इस वक्त भगवा रंग में नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह। पीपल बिलीव इन मोदी की गारंटी, सो आई एम श्योर दैट बिकॉज ऑफ दिस मोदी की गारंटी पीपल विल वोट इन लार्जर नंबर्स दिस टाइम एंड प्रोबेबली दिस इलेक्शन विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन in terms of vote and the lead of Bharatiya Janata Party here. Yeah. How are the booth level workers in the cadre working right now in the constituency of Gandhinagar to make Amit Shah win? As I mentioned, the mud. तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सारी ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, प्रचार कर किया जा रहा है मेगा प्रचार गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से।